नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कर्नाटका में सिद्धारमैया के कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इसी के साथ ही कई नए मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो वहीं कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री हैं उनकी जाति को भी बाकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से क्लियर किया गया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन मंत्रियों की एक लिस्ट जारी की गई है जिनमें बाकायदा जातियों को मेंशन किया गया है कि कौन लिंगायत है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ब्राह्मण है। तमाम जातियों को लेकर के यहां पर लिस्ट में मेंशन किया गया है जिनका तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भला राजनीति करने का कौन सा तरीका है कि तमाम मंत्रियों का यहां पर जाति को मेंशन किया जा रहा है। तो वहीं जो राहुल गांधी ये बात क्या करते थे कि सभी को समान हक मिलेगा, खासकर महिलाओं पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का फोकस रहा था क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाया था, लेकिन ये जो बातें हैं वो इस कैबिनेट विस्तार में नहीं देखी जा रही है। दलित और महिला और मुस्लिमों को जो है बहुत ही कम यहां पर पद दिया गया है जिसको लेकर के भी लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है और तमाम नेताओं के जो समर्थक हैं इस वक्त विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर करके बाकायदा इस पूरे कैबिनेट लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी और देखने को मिल रहा है कि जो विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे जगदीश शेट्टार, उनको कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही उन्हें कहा गया था कि अगर वो हारते भी हैं तो भी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री पद विस्तार होने के बावजूद उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है। इसी के साथ ही अगर हम बात राज्य के सीएम सिद्धारमैया की करें तो उन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा है, तो इसी के साथ ही डीके शिव कुमार के पास कोई खास विभाग नहीं है, ना तो उनके पास गृह मंत्रालय है, ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय है और ना ही वित्त मंत्रालय है। इसको लेकर के भी लोगों में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर डीके शिव कुमार को एक बार फिर से जो है निराशा ही हाथ लगी है। बता दें कि सरकार गठन के एक हफ्ते बाद सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम और डेप्यूटी सीएम के बीच विवादों को सुलझाते हुए 24 नामों पर मुहर लगा दी है। सरकार गठन के वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बता दें कि कर्नाटका कैबिनेट में कांग्रेस ने जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने का दावा किया है, लेकिन कैबिनेट में महिलाओं और मुसलमानों को सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी मिली है, वो भी ऐसे समय में जब राहुल गांधी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल के इस नारे की छाप कर्नाटका की नई कैबिनेट में भी दिख सकती है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीटें मिली है। स्लोगन नया है। 1960 के दशक में समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने सत्ता के शीर्ष पदों पर सिर्फ एक जाति के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए यह नारा दिया था। उस वक्त समाजवादियों का नारा था, सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बता दें कि लोहिया का तर्क था कि देश में पिछड़े और दलितों की आबादी 60% से अधिक है, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी काफी कम है। लोहिया का यह नारा काम कर गया और 1967 के आसपास कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। बता दें कि धीरे धीरे ये मुद्दा पूरे देश में फैलता गया। 1990 में बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के बरकस जनता दल के नेताओं ने मंडल कमीशन का बिगुल फूंक दिया। सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण में संशोधन भी किया गया। हाल ही में इस मुद्दे पर फिर से तूल देते हुए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया। कांग्रेस भी इस मुद्दे को खूब तरजीह दे रही है और जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। कर्नाटका में राहुल गांधी ने इसी रणनीति के तहत जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। बता दें कि राहुल के मुताबिक दिल्ली में जो नीति तय कर रहे हैं वहां दलित पिछड़ों की भागीदारी काफी कम है। ऐसे में सरकार आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की फॉर्मूले को अमल में लाए। वहीं बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले लिंगायत कर्नाटक में 14% के आसपास है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी लिंगायतों को खूब तरजीह दी गई है। कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय से आने वाले 7 नेताओं को मंत्री बनाया है। इनमें MB पाटिल, ईश्वर खंडारे, S. दर्शनपुर, शिवानंद पाटिल,
एसएस मल्लिकार्जुन, एसपी पाटिल और लक्ष्मी हेबलाकर का नाम शामिल है। लोकनीति सीएसडीएस के मुताबिक कर्नाटका चुनाव में सिर्फ 29% लिंगायतों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। बीजेपी की सरकार में भी लिंगायतों का दबदबा रहा था। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के अलावा 8 मंत्री सरकार में लिंगायत समुदाय के शामिल किए गए थे। कर्नाटक में लिंगायत के बाद वोक्कालिगा की आबादी सबसे अधिक है। राज्य में करीब 11% वोक्कालिगा है, हालांकि समुदाय इससे अधिक का दावा करती रही है। कर्नाटक कैबिनेट में लिंगायत की तरह ही वोक्कालिगा भी सबसे पावरफुल है। वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले डीके शिवकुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। शिवकुमार के अलावा वोक्कालिगा समुदाय से 5 और मंत्री बनाए गए हैं। इनमें रामलिंगा रेड्डी, एमसी सुधाकर, कृष्णा बायर गौड़ा, लुवर स्वामी और के वेंकटेश का नाम शामिल है। बता दें कि कर्नाटका में वोक्कालिगा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर का कोर वोटर माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार वोक्कालिगा समुदाय से 42 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 21 जीतने में सफल रहे। वोक्कालिगा समुदाय के सौम्या रेड्डी 16 वोटों से चुनाव हार गई। लोकनीति सीएसडीएस सर्वे में कहा गया कि वोक्कालिगा समुदाय के 49% वोट कांग्रेस को मिले। बीजेपी की मुंबई सरकार में भी वोक्कालिगा को खूब तरजीह दी गई थी। 7 मंत्री वोक्कालिगा समुदाय से बीजेपी ने बनाए थे। कर्नाटक में दलित समुदाय की आबादी करीब 18% है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद दलित हैं और कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में जीत के बाद दलित नेताओं ने डेप्टी सीएम का पद मांगा था, लेकिन हाई कमान ने इसे ठुकरा दिया। बता दें कि कर्नाटक में दलित समुदाय से सिर्फ 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का नाम शामिल है। प्रियांक के अलावा जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, शिवराज तंगादगी, एच सी महादेवा और आर बी तिमापुर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। कर्नाटक में दलितों के लिए विधानसभा की 36 सीटें रिजर्व है। कर्नाटक ने इस बार 38 दलित उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 27 सदन पहुंचने में कामयाब रहे। बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ समझौते में दलित नेता जी परमेश्वर को डेप्यूटी सीएम बनाया था। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% से अधिक है। वहीं कांग्रेस ने अहिंदा फॉर्मूला के तहत मुसलमानों को साधने की रणनीति पर काम किया। कांग्रेस की यह रणनीति सफल भी रही और मुसलमानों ने पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया। बता दें कि लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक कर्नाटका में 70% मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले हैं, जबकि 14% मुसलमानों ने जेडीएस को वोट दिया है। इस बार 9 मुस्लिम विधायक जीतकर सदन पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी कांग्रेस के ही हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 15 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 9 जीतने में कामयाब भी रहे हैं। सरकार बनने के बाद मुस्लिम नेताओं ने डेप्टी सीएम की कुर्सी देने की मांग भी की थी, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ 2 पद मुसलमानों को मिला है। कांग्रेस ने बी जमीर अहमद और रहीम खान को मुस्लिम कोटे से मंत्री बनाया है। वहीं 2013 में सिद्धारमैया की सरकार में मुस्लिम कोटे से 4 मंत्री बनाए गए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस ने स्पीकर का पद मुस्लिम नेता यूटी खादर को दिया है। बता दें कि सोनिया गांधी के वक्त से ही कांग्रेस महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने की बात करती रही हैं, लेकिन कर्नाटक में आधी आबादी को हक देने में कांग्रेस पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो गई है। बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटका में 43.7% महिला वोटर्स हैं, लेकिन सिद्धारमैया की सरकार में सिर्फ 1 महिला को मंत्री बनाया गया है। लक्ष्मी हेबालकर लिंगायत और महिला कोटे से मंत्री बनी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बार 11 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 4 जीतने में कामयाब भी रही। कयास लगाए जा रहे थे कि पोर्टफोलियो आवंटन में हेलबाकर को महिला विभाग मिल सकता है। कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए पेंशन, फ्री बस यात्रा जैसी स्कीम की घोषणा भी की थी। पार्टी को इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, लेकिन सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं पा सकी। सिद्धारमैया की पहली कैबिनेट में 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट में जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है, लेकिन 4 जिले में 1 भी मंत्री नहीं बने हैं। इसमें मंगलूर, हावेड़ी, कोड़ाकू और चमराजनगर का नाम शामिल है।
हावेड़ी में 6 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तो वहीं चिकमंगलूर में भी सभी 5 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। कोडाकू और चमराजनगर में भी पार्टी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। कोडाकू की सभी 2 सीटों पर और चमराजनगर में 3 से 2 सीटों पर पार्टी की जीत। हालांकि पार्टी ने चमराजनगर से आने वाले सी पुट्टा रंगा रेड्डी को डेप्यूटी सीएम बनाने का फैसला किया है। सिद्धारमैया कैबिनेट का कांग्रेस के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि विधायक टीबी जयचंद्रा, विधायक एम कृष्णप्पा, रुद्रप्पा लमानी और प्रिया कृष्णा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। समर्थकों का कहना है कि कैबिनेट में वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं दी गई है। इन 4 विधायकों के अलावा आरवी देशपांडे और वीके हरिप्रसाद के मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। यानी कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले से ही इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त विरोध इन कास्ट और क्षेत्रीय जो बंटवारा किया गया है मंत्रिमंडल में उसको लेकर के भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। चाहे राजदीप सरदेसाई हों या फिर तमाम अन्य पत्रकार हों, इस चीज को भी लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो कांग्रेस के द्वारा ये जो मंत्रियों की लिस्ट को रिलीज किया गया है कास्ट और क्षेत्र के आधार पर, तो आखिर कांग्रेस पार्टी इससे क्या साबित करना चाहती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।